ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस और कितना गिरेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ निफ्टी के बारे में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो आप इसमें देखिएगा, मतलब मैंने बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, तो अब इसके बारे में बारी बारी से एक बात करते। तो जो पहली लाइन है, जो मेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है, जो ये रेड कलर की है, जो ये रेड कलर की लाइन है वो मेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है। हाल फिलहाल ये क्या है कि एक बार इसको नीचे, मतलब ब्रेक करके नीचे चबा के फिर से ऊपर आ गया था। अभी हाल फिलहाल जो अपनी प्राइस है वो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन से ऊपर है, तो अभी हो सकता है इन फ्यूचर के ये क्या है कि ये लाइन के ऊपर सपोर्ट ले। और जो मेरी दूसरी लाइन है, जो मतलब मैं इसको क्या है कि ट्रेंड लाइन बोलूँगा, वो थोड़ी शॉर्ट टर्म की है। मतलब देखो, ये मेरी जो ग्रीन कलर की लाइन है वो शॉर्ट टर्म की है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये ब्रेक कर दे इस लाइन को और नीचे आ जाए, तो इस लाइन पे मतलब सपोर्ट ले सकता है। ये थी दो मेरी सपोर्ट लाइन, मतलब ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन। अभी मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन की बात करता हूँ, तो जो मेरी पहली हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है वो 11,100 पे है। जो ये लाइन है इसको मैं पहली हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा हूँ, सपोर्ट लाइन, जो 11,100 पे। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो मेरी दूसरी सपोर्ट लाइन आएगी जो है 10,650 पे, जो ये नीचे वाली लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो अगर ये क्या है कि 11,100 को ब्रेक करके नीचे आ गया तो मेरी दूसरी सपोर्ट लाइन होगी वो होगी 10,650। ये तो होगी सपोर्ट लाइन की। अब बात करते हैं रजिस्टेंस लाइन की। तो जो मेरी पहली रजिस्टेंस लाइन है, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, तो ये है। अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो मेरी पहली रेजिस्टेंस लाइन होगी 11,750। मतलब इस लाइन के आसपास से कहीं से फिर से नीचे आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो हम और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें, लेकिन वो फ्यूचर की बात है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मेरी क्या है कि दो सपोर्ट लाइन है, पहली होगी 11,100, दूसरी होगी 10,650। मेरी रेजिस्टेंस लाइन है वो पहली है 11,750, दूसरी हम आगे बात करेंगे। तो क्या है कि ये देखो, और जो मेरे को अभी हाल फिलहाल लग रहा है कि इन फ्यूचर कल या परसों आई थिंक अगर इस लाइन के आसपास, मतलब 11,100 से अगर ये रिवर्सल ले लेता है तो मेरे को लगता है कि फिर से ये अप जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो देखो ये इसकी क्या है कि इधर सपोर्ट लाइन आ रही है, मतलब ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन भी है। तो अगर हो सकता है कि ये क्या है कि 11,100 पे मतलब सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जाने लगे। अगर इस पे सपोर्ट नहीं लेता तो मैं नीचे की ओर देखूंगा। तो मेरे नीचे की ओर देखता हूँ तो ये मेरी पहली ट्रेंड लाइन आ रही है और दूसरी ये ओरिजेंटल सपोर्ट लाइन आ रही है। तो मैंने क्या है कि एक जोन बना दिया। तो जो मेरा जोन है वो क्या है कि 10,800 से 10,650, इस बीच में कहीं सपोर्ट लेके ये रिवर्सल साइन देता है तो मैं यहाँ से मानूंगा कि इधर से ये फिर से अप जाने लगेगा। तो ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस ऑन निफ्टी। अगर आपको क्या है कि ये वीडियो सही लग रहा है, मतलब आपको ये टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया, तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हम ऐसे वीडियो और लाएंगे और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।